लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2019 का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। शनिवार को टेस्ट के चौथे दिन एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को एक बाउंसर लगने के कारण मैदान पर जाकर पड़े। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 77वें ओवर में स्कोर जब 203 था जब वो दर्दनाक हादसा हुआ। स्मिथ अपने लगातार तीसरे एशेज शतक के करीब पहुंच रहे थे और वो 80 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे जब जोफ्रा आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार उन्हें हेलमेट पर जाके लगी। स्टार बल्लेबाज मैदान पर ही लेट गए। इसके बाद कई मिनटों तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेडिकल स्टाफ उनकी जांच की। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को जोफ्रा आर्चर के एक बाउंसर लगने के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। स्मिथ आखिर अपने पैरों पर खड़े हुए और काफ़ी देर तक ऑस्ट्रेलिया के टीम के डॉक्टर रिचर्ड सॉफ से बात की। इसके बाद उन्होंने रिटायर्ड होने का फैसला किया। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर पूरे ऑस्ट्रेलिया कप्तान का अभिवादन भी किया।